हम लोगों ने एक एक डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया, उस डिस्ट्रिक्ट में से हम लोगों ने 4 वार्ड को सिलेक्ट किया, 2 अर्बन, 1 सेमी अर्बन, 1 पेरी अर्बन, ताकि समाज के विभिन्न वर्गों का रिप्रेजेंटेशन हो सके। ओके, और वहां पे रिगरस साइंटिफिक प्रोसीडर को फॉलो करते हुए, जो हम किसी भी लार्ज स्केल सर्वे में करते हैं, मैडम ने हमारा परिचय बताया, मैं सर्वे रिसर्च का ही व्यक्ति हूँ, सर्वे रिसर्च में क्या चेंज किया जाए जिससे कि हमारे एस्टीमेट्स की वैल्यू रिसर्च का हिस्सा रहा है। ओके, हम लोगों ने जो स्टडी कंडक्ट किया वहां 5 आर्म्स रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, एक साइंटिफिक तरीका होता है, उसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया। जनरली क्लिनिशियन उसको अपने क्लिनिकल रिसर्च के लिए, चाहे वो कोविड का वैक्सीनेशन की बात हो, HIV एड्स के वैक्सीनेशन की बात हो, बच्चों के टीकाकरण की बात हो, उसका प्रयोग करते हैं। हम लोगों ने पिछले काफ़ी सालों से उसको कम्युनिटी एक्सपेरिमेंट में भी प्रयोग करना शुरू किया है। ये बात अलग है कि ह्यूमन को कंट्रोल करना थोड़ा कठिन होता है लेबोरेटरी के जीवों के अलावा। ओके, हमारे रिजल्ट में हम लोगों ने 4 कंट्रोल ग्रुप में एक एक वार्निंग लेवल को दिया है और 5वां ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप रखा है, जहां कोई भी नहीं रखा है। आप आगे जाएं, हमारा सीधा रिजल्ट दिखाएं, मैं बताता हूं। ये सब स्लाइड छोड़िए, हमारे टेक्निकल सब्स्टिकेशन को छोड़ते जाएं। ये हमारा सैंपल साइज है, रिजल्ट चले। ये पहला रिजल्ट है जहां कंट्रोल ग्रुप में 39% लोग ये देख करके बता सकते हैं, वहां वार्निंग लेवल पे 61% लोगों ने बताया कि ये देख करके हमें पता चल जाता है कि इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो कि एक्सेस हैं, जिनका हेल्थ पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। हालांकि कंट्रोल ग्रुप के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो चारों, चाहे मल्टीपल ट्रैफिक लाइट हो, हेल्थ स्टार रेटिंग हो, या ZDA हो, या वार्निंग लेवल हो, चारों में का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा है। लेकिन अगर इन चारों का भी कंपैरिजन करके देखा जाए तो हमारा वार्निंग लेवल सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है लोगों को ये बताने में। हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट की डिज़ाइन डेवलप करते समय इस बात का ध्यान रखा कि हमारा सॉफ्ट कोटा मेन भी हों, वीमेन भी हों, कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी हैं, ऐसे लोग हों जो अपने घर के लिए ग्रॉसरी परचेजिंग करते हैं, ऐसे लोग भी हों जो अपने घर के लिए ग्रॉसरी नहीं परचेजिंग करते हैं। हर एक ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन देते हुए हम लोगों ने नेशनल लेवल पे स्टडी कंक्लूड किया और उसकी फाइंडिंग सामने है, और फैक्ट शीट हम लोगों ने ऑलरेडी डेवलप करके काफ़ी स्टेक होल्डर्स को शेयर कर लिया है। आपके सामने मोटी मोटी बात ये दिख रही है कि चारों फ्रंट ऑफ पैकेज लेवल का परफॉर्मेंस बढ़िया है, लेकिन सबसे बेहतर परफॉर्मेंस हमारा वार्निंग लेवल को दिख रहा है इस जानकारी के मामले में। ओके, परसेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु करेंटली डिफाइन दैट विच वन इज द इजिली आइडेंटिफाइबल टू टेल अस द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट्स। ओके, हमारा अगला स्लाइड पे आप जाके देखें, जहां दूसरा इशू हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि किसको देख करके ये लग रहा है कि हमें ये नहीं खरीदना चाहिए। अगर उसको देखा जाए तो कंट्रोल ग्रुप में उसके लिए एक लाइकर्ट स्केल, एक साइंटिफिक तरीका होता है। हम लाइकर्ट स्केल की बात आपसे नहीं कर रहे हैं, हम मोटी मोटी इस फाइंडिंग का मतलब आपको समझा रहे हैं। फिर दोबारा हेल्थ स्टार रेटिंग सिग्निफिकेंट रिडक्शन को हमारा शो कर रहा है, सिग्निफिकेंट रिडक्शन शो कर रहा है, जो हमें ये बता सकता है कि हमारी परचेजिंग इंटेंशन कम होना चाहिए। अल्टीमेटली केवल जानकारी से तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, हमारी जानकारी का लेवल इस लेवल के हो जाए कि हम ये डिसीजन लें कि अगर इस चीज़ में हमारे अनहेल्दी प्रोडक्ट्स का कंटेंट ज़्यादा है तो हमें इसकी खरीदारी में कमी करनी चाहिए। ओके, फिर दोबारा हमारा चारों में से हेल्थ स्टार रेटिंग, इसका वार्निंग लेवल्स का परफॉर्मेंस काफी बेहतर दिख रहा है। और एक तीसरा डायमेंशन देखें, अगर तीसरा डायमेंशन हमको ये दिखाए, फिर से हम वही लाइकर्ट स्केल की मदद ले रहे हैं, यहाँ हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि परसीव्ड मैसेज इफेक्टिवनेस,
जो मैसेज हम देना चाहते हैं वार्निंग लेवल के, वो कितना इफेक्टिवली लोगों तक पहुंच पा रहा है। हमने इसीलिए कहा कौन सी FOPL यूज करना चाहिए, उसकी साइज क्या होनी चाहिए, उसके अंदर का कंटेंट क्या होना चाहिए, नंबर होने चाहिए, एल्गोरिथम्स होना चाहिए या कोई राइटअप होना चाहिए, क्या होना चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोग लाइट लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव लगा है। लेकिन बिहेवियर चेंज के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो दोनों परफॉर्मेंस पे हमारा वार्निंग लेवल्स काफी आगे दिख रहा है इन कंपैरिजन टू रिलेटिव अन्य तीन वार्निंग लेवल्स के कंपैरिजन। अगला स्लाइड दिखाएं। इस तरीके से ये क्लियरली इमर्ज हो रहा है कि जो हम एक जो ऑब्जेक्टिव लेकर के चले थे कि कौन सा वार्निंग लेवल इंडियन एडल्ट्स के लिए ज्यादा सुटेबल होगा, उसका चार अलग अलग डायमेंशन से देखने के बाद हमें ये क्लियरली मिल रहा है कि अभी भारतीय एडल्ट्स के लिए वार्निंग लेवल ही काफी है, वही बेनिफिशियल है। ज्यादा डिटेल में जाकर के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का या हेल्थ स्टार रेटिंग के लिए अल्गोरिदम बेस्ड समेटेड स्केल देने की कोई स्थिति अभी नहीं है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।